अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हमाद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अब तक लीनियर इक्वेशंस को काफ़ी डिस्कस किया है, लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो अब लीनियर इक्वेशन के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स मौजूद होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में ये होता था कि हमारे पास वेरिएबल जो मौजूद होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री जो है वो हमारे पास 1 होती है, ठीक है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास है वो ये सब चीज़ें मौजूद होंगी, जैसे कि वेरिएबल भी मौजूद होंगे, कोएफिशिएंट्स भी होंगे और कॉन्स्टेंट्स भी मौजूद होंगे। बट डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी उसमें जो है हाईएस्ट डिग्री 1 होती थी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री जो होगी हमारे पास वेरिएबल्स की, एक्स वाई सी जो भी वेरिएबल होंगे उसकी हाईएस्ट पावर जो हमारे पास होगी वो होगी 2, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है कोफिशेंट्स वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स वाला वो वैसे ही रहेगा, जस्ट क्या डिफरेंस होगा, हमारे पास जो एक्स वाई सी जो वेरिएबल होंगे उसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन देखते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे, वो कैसे डिराइव होता है उसको भी देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देख लेते हैं हम। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से इसमें भी वेरिएबल्स हैं, कोफिशेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, बट डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल है एक्स उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है वो है हमारे पास 2। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो होती है हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होती है। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन क्यों लगाई गई है यहाँ पे, वो इसलिए लगाई गई है अगर ए इज इक्वल टू जीरो होता है हमारे पास तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश हो जाएगी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, चूंकि उसमें एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री है 2 वाली टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन हमारी लाजमी साथ मेंशन करनी पड़ेगी हमें। तो क्वाड्रेटिक्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसी की थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पे, उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री व्हिच इंप्लाइज दैट इट कंप्राइजेस ऑफ मिनिमम 1 टर्म दैट इज स्क्वेयर्ड। यानी कम अज कम इक्वेशन में हमारे पास एक ऐसी टर्म जरूर होनी चाहिए जिसकी पावर स्क्वेयर हो यानी कि 2 हो। द डेफिनेट फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वेयर एक्स इज एन अननोन वेरिएबल एंड ए बी सी आर न्यूमेरिकल कोफिशेंट्स। हेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इफ इट इक्वल्स टू जीरो देन द इक्वेशन विल नॉट रिमेन क्वाड्रेटिक एनीमोर एंड इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन सच एज बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। द टर्म ए बी एंड सी आर ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक कोफिशेंट्स, ठीक है। ए बी सी जो है वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक कोफिशेंट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। द सोल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल एक्स, ठीक है। जो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे, वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, और वो सोल्यूशन जो है हमें पता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। These solutions are also called as roots or zeros of the quadratic equation. Solutions को हम या तो roots भी बोलते हैं, roots of equation, roots of quadratic equation या फिर zeros of quadratic equation. यानी कि solution के ही ये दो different नाम हैं जिसको हम root भी बोल सकते हैं या फिर zero भी बोल सकते हैं। It means that if we put the value of root in the given quadratics, left hand side will be equal to
राइट हैंड साइड, यानी इनको हम अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों हैं वो इक्वल आएंगी, ठीक है। द रूट्स ऑफ एनी पॉलीनोमियल आर द सॉल्यूशंस फॉर द गिवन इक्वेशन, यानी कि जो रूट्स हमारे पास होंगे पॉलीनोमियल के या इक्वेशन के वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। आगे भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे में लिखा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, वही डेफिनेशन है फिर से दोबारा एक प्रॉपर वे में लिखा है। द पॉलीनोमियल इक्वेशन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वेयर एक्स इज एन अननोन वेरिएबल, एक्स इज अननोन वेरिएबल एंड ए बी एंड सी आर द कॉन्स्टेंट टर्म्स। सिंस द क्वाड्रेटिक इंक्लूड ओनली वन अननोन टर्म आर वेरिएबल दस इट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नजर आ रहा होगा कि एक ही वेरिएबल है जो कि एक्स है, यानी कि एक वेरिएबल है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट। अगर दो वेरिएबल होंगे तो हम उसको बाईवेरिएट बोलेंगे, ठीक है। द पावर ऑफ वेरिएबल एक्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास एक्स वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हेंस द इक्वेशन इज अ पॉलीनोमियल इक्वेशन विद हाईएस्ट पावर एज 2। द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल आर द सॉल्यूशन फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक्स देयर आर 2 रूट्स आर जीरोस ऑफ द इक्वेशन एंड इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ रूट आर एक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर दे आर कॉल्ड जीरोस, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास अगर हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी इक्वेशन की होगी वो इक्वल टू जीरो आएगी, क्योंकि हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरोस भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है, द फार्मूला फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सिंस क्वाड्रेटिक्स हैव अ डिग्री इक्वल टू 2 देयरफॉर देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। सपोज कर लेते हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन द फार्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, हमारे पास फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर 2, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आ जाएगा। द साइन ऑफ प्लस माइनस इंडिकेट्स देयर विल बी 2 सॉल्यूशन फॉर x। हमारे पास जो फार्मूला में ये वाला जो प्लस माइनस का साइन आ रहा है ये इंडिकेट्स कर रहा है कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो 2 होंगे। प्लस माइनस का मतलब है एक बार हम प्लस करके सॉल्व कर रहे हैं इसे और एक बार माइनस करके सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है प्लस माइनस जो शो कर रहा है वो हमें ये शो कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस किस फॉर्म में हो सकती हैं। फर्स्ट वन है, बीनीथ आर द इलस्ट्रेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कुछ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होंगी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, जो हमने पढ़ी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो वो एग्जाम्पल्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। इस सारी की सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द एब्सेंस ऑफ अ सी अ कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि सी एब्सेंस यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें मौजूद नहीं होगी वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, यानी कि उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं मौजूद होगी। उसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स इज इक्वल टू जीरो।
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन फैक्टर्ड फॉर्म। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्टर्ड फॉर्म, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्ड फॉर्म में कैसी होगी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है x माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर्ड हैं, ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फैक्टर मिले हैं वो ये वाले फैक्टर मौजूद हैं, ये वाले मिले हैं। इसी तरीके से ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारी की सारी क्या हैं, फैक्टर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं, जो कि फैक्टर्ड फॉर्म में हैं। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से फैक्टर फॉर्म मिलती है और इसे हम बोलते हैं फैक्टर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्टर्ड फॉर्म। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिलो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एन एब्सेंस ऑफ लीनियर कोफिशिएंट बी एक्स, यानी कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास लीनियर कोफिशिएंट वो एब्सेंस हो, जो मौजूद ना हो। लीनियर कोफिशिएंट यानी कि जिस वेरिएबल के साथ हमारा, जिस वेरिएबल की जो हमारी पावर है वो वन हो, यानी कि लीनियर कोफिशिएंट वही कहलाएगा जिसकी वेरिएबल की पावर वन होगी। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की होंगी, वो होंगी हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एटी वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स, ये आज जो हमने डिस्कस किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा है, और कुछ हमने डिस्कस किया है इसके फार्मूले को, और कुछ डिफरेंट टाइप्स देखी हैं हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स कैसे हो सकती हैं। कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है हमने, फैक्टर्ड फॉर्म देखी है, और एक फॉर्म ऐसी है जिसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं होगी यानी कि सी, और एक फॉर्म देखी है जिसमें लीनियर कोएफिशिएंट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी देखेंगे, और इसके अलावा डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।